मुरादाबाद थाना मझोला पुलिस ने दो बाइक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी गई बाइक मोबाइल के साथ साथ अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। दोनों शातिर लुटेरे रात के अंधेरे में लोगों को तमंचे की नोक की लूट पर वारदात को अंजाम देते थे। बीते 7 अक्टूबर 2017 को इन पकड़े गए शातिर लुटेरे सुमित और विजय ने अपने एक अन्य साथी विशाल के साथ रामपुर में मुरादाबाद आए। युवक विकास को रात्रि में तमंचे के बल पर अपना शिकार बनाते हुए उससे मोटरसाइकिल और मोबाइल व नकदी लूट ली थी और फरार हो गए थे। पीड़ित विकास ने थाना मझोला पर लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया था और पुलिस सरगर्मी से इन लुटेरों की तलाश में जुट गई थी, जिसमें सफलता पाते हुए लुटेरे सुमित और विजय को लूटी गई बाइक और मोबाइल सहित दो तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए हैं। लेकिन विशाल अभी भी फरार चल रहा है, जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या मामला हो गया था आपके साथ में जो ये गाड़ी थी? मुझे अचानक एकदम से इन्हें बाहर कर दिया, लूट लिया था, और लूटने के बाद फिर मैं वही मुझे ये मार्ग ये सोचा इन्होंने कि ये मर गया, उसके बाद ये छोड़ के चले गए। जाने के बाद मोबाइल वगैरह गाड़ी वगैरह जो भी थी सारी वो निकाल ली थी इन्होंने, और फिर मुझे नंगा वहीं पे छोड़ के पड़े। कब की घटना है ये? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर के बाद ये हुआ कि मैं दसरा चौकी पहुँचने के बाद वो ये कह रहे थे कि ये जो वारदात हुई है वो कटघर मतलब मझोला थाने के उसमें हुई है। उसके बाद कटघर थाने वालों ने फिर मझोला थाने भेजा, फिर जीआरपी थाने भेजा था। एक महीने तो इसी में बीत गया था सर मेरा। आज ये खुलासा हो रहा है? आज इसका खुलासा हुआ है सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि मुझे इतनी चोट लगने के बाद 307 का मुकदमा दर्ज नहीं करा गया सर। तो और मुझे लग रहा है जल्दी से जो मुंजी में वो वारदात जल्दी से मुझे रिहा हो सकते हैं सर। क्या यही लोग थे जिन्होंने? हाँ सर, मुझे यही लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे। आपका मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ था? ये 394 में लिया गया सर। और अब जो खुलासा जो हो रहा है तो लूट का खुलासा हो रहा है? हाँ सर, लूट का खुलासा हो रहा है। लेकिन आप बता रहे हो ना 307 मतलब मुझे सर बिल्कुल मार रहे, मुझे जो लोग मुझे मारना चाह रहे थे वो उनके साथ बिल्कुल बताओ लूट का मामला लिखा गया है सर। मझोला थाना क्षेत्र में आज ये लूट का खुलासा किया जा रहा है, क्या मामला है? ये मझोला थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के वर्कशॉप के पास से 7 अक्टूबर को एक लड़के से उसको घायल करके बाइक और उसका मोबाइल छीन लिया गया, जिसको कल मुखबिर की सूचना पर इनको सूर्यनगर तिराहे से दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार है। और इनके पास से दो तमंचे, मोबाइल और इनकी निशानदेही पर ये बाइक बरामद है। तो सर क्या पहले जो ये मुकदमा लिखा गया था उनका कहना यह है कि उनके हाथ में मारपीट हुई थी, जान से मारने की कोशिश हुई थी, तो क्या उनमें भी कुछ एक्शन करा जाएगा? उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनके सर पर इन लोगों ने सरियों और डंडों से प्रहार किया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी और हॉस्पिटल में। तो क्या ये मामला लूट का माना जाए या जिस तरह से बाइक चोरी का मामला वो बता रहे हैं? नहीं नहीं, ये लूट का मामला था, इस पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। सर क्या इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमारे थाने पर कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उसे थानों से पता कराया जा रहा है इनके आपराधिक इतिहास के बारे में।